18 मार्च 2024 को केवलारी धनौरा क्षेत्र में लगभग आधे घंटे तक तेज तूफानों बादलों की गरज चमक के साथ बादल बरसे एवं ओलावृष्टि हुई, जिससे लगी हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। बता दें केवलारी एवं धनौरा क्षेत्र के दर्जनों गांव ओलावृष्टि की चपेट में है। मिनी पंजाब के नाम से जाने जाने वाला केवलारी क्षेत्र में गेहूं की फसल पक कर तैयार खड़ी है। सिवनी जिले में यह क्षेत्र गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में फसलें लगभग 8 से 10 दिन में काटने के लिए तैयार थी और अचानक आने वाली बेमौसम बारिश, तूफान एवं ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी फसल चौपट हो चुकी है व गेहूं, मक्का एवं सब्जियां सभी बर्बाद हो चुकी हैं। गेहूं की बालियां फूटकर खेतों में बिखर चुकी हैं। किसानों द्वारा जानकारी दी गई थी कि हम लोगों ने कर्ज लेकर खेती की है और हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। कुछ किसानों की आंखों में जानकारी देते हुए आंसू आ गए। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि हमें तत्काल राहत राशि दी जाए एवं जांच दल द्वारा पूरी जांच कर बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम दिलवाने का कष्ट करें। हाल ही में पटवारी एवं आरा अधिकारियों द्वारा गांव गांव जाकर देखा जा रहा है और विधायक महोदय द्वारा ग्रामवासियों को उचित मुआवजा देने के लिए आश्वासन दिया गया है, जिसमें वर्तमान विधायक रजनीश हरवंश सिंह ठाकुर एवं पूर्व विधायक राकेश पाले सिंह ने भी गांव गांव में जाकर खराब हुई फसलों का जायजा लिया और जांच कर राहत राशि की उचित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया। 6 दिन बाद जो है फिर से दोबारा एक सर्वे और कराना आवश्यक है, क्योंकि जो फसल अभी दिखाई नहीं दे रही है ओला और तूफान की मार की वजह से हरी दिख रही है, उसकी समझ जो है 6 दिन बाद समझ में आएगी अपने को कि नुकसान तो 100% है। अब मैं एक अभी वो डहरिया किसान है इधर खावरी गांव का, चौधरी डहरिया 4 एकड़ का किसान है बेचारा, वो तो मिटी गया यार, वो तो क्या बोलो, ना वो रो पा रहा है ना बात कर पा रहा है, बहुत हालत खराब है। तो अपन वो तो सर्वे में करवा रहा हूँ, हाँ हाँ, नेत्रांकन के आधार पे हमने भी पर्सन देखा है, बट ये सर्वे दल जो बना है, हाँ हाँ, कर लेगा तो हमको और क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, अपने को पूरी सहानुभूति रखकर जो है सबको काम करना है, है ना? हाँ, हाँ, नहीं हमारी बात हो गई, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कल बात हुई, उन्होंने भी निर्देशित किया है सबको। और 2 दिन बाद और इसकी हालत जैसे जैसे धूप तपते जाएंगे, ये तो हार्वेस्टर में तो आना नहीं निकालेगा आदमी हार्वेस्टर, ये तो उसमें थ्रेसर में भूसे के साथ दाना जाएगा, जीरा से भी बारीक जीरा जैसी स्थिति बन जाएगी। देखो ना नीचे पूरा दाना देख रहा है, ये पूरा दाना देख रहा है, पूरा दाना देख रहा है भैया। मेरी सबसे हाथ जोड़ के बिना है, आप अन्नदाता है सर, ध्यान रखना भैया, हिम्मत रखना, क्योंकि आई थी फसल गई है भैया, 2 दिन बाद जब कटती हार्वेस्टर बनी थी और चारों तरफ अच्छी बनी थी, चाहे मक्का हो चाहे आपकी गेहूं हो चाहे अन्य फसल हो, अब विधाता के आगे भैया सब नतमस्तक हैं। आप चिंता मत करना, मैं पूरी आपकी लड़न लड़ूंगा और पूरा आपको मुआवजा दिलवाऊंगा भैया। आप भी देख रहे हैं पटवारी जी पूरी स्थिति, ये देखो आप, ये बाल देखो, देख जरूर रही पर जाए, सब फूल गई, खराब हो जाए, अंकुर निकल जाए, फूल जाएगा बनाना। आप एक कृषक हैं? हाँ भैया। अपना नाम बताइए। राम नरेश राय, मैं थावरी से कृषक हूँ। अच्छा अच्छा, और अभी जो कल ओलावृष्टि और आकस्मिक जो बरसात हुई है, इससे क्या कितना परसेंट नुकसान हुआ है? यहाँ हमको तो 100% नजर आ रहा है, बहुत पत्थर गिरे हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट पत्थर गिरे हैं, और एक पत्थर लगभग 200 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम का था। अच्छा, नुकसान कितने परसेंट है? 100% 100%। अभी किसी ने इसको देख के गया है, सर्वे हुआ इसका? अभी कोई सर्वे नहीं हुआ, बाकी पटवारी साहब आए थे, अभी देख के गए हैं, उन लोगों ने बोला कि 100% नुकसान है। अच्छा अच्छा, अभी कोई अधिकारी आने वाले हैं? अधिकारी तहसीलदार महोदय आने वाले हैं, विधायक जी आ रहे हैं जी। और कोई कृषक, आप भी एक कृषक हैं, अपना नाम बताइए। जी राजा भैया, आप क्या कहते हैं ये नुकसान के विषय में, कितना परसेंट नुकसान लगता है आपको? नुकसान तो लगभग 100% है, थोड़ा बहुत तो खैर मिल जाएगा, लेकिन 90% से तो ऊपर है। अच्छा अच्छा, आप भाई साहब जी? 100% है जी गेहूँ का। नाम बता दीजिए अपना। अशोक राय थावरी जी। जी आप? मैं देवेंद्र कुमार राय सेठ। 100% नुकसान थावरी में। आप देख सकते हैं ये जो गेहूं है, गेहूं की कंडीशन आप देख रहे हैं,
कुछ भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बची है, पूरी चौपट हो चुकी है कहें अपन। और कोई भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ सारे कृषक खड़े उपलब्ध हैं, कोई कुछ बोलना चाहेंगे आप बताइए। तो सारे गांव के कृषक सामने खड़े हैं और सब शासन से कर्ज ले लेके ये गल्ला हुए थे, आज आंसू निकल रहे हैं हमारे फसल को देख के। ठीक ठीक, हम हमारे लिए शासन कुछ करना जरूरी। मैं कोमल सिंह कुशवाहा था अमृतसर। जी जी, शासन प्रशासन अनुरोध है कि तत्काल राहत राशि जो भी व्यवस्था तो प्रेजेंट एक हफ्ते के अंदर की जाए, तो उसमें हमको कम से कम आप लोगों को राहत हो। अच्छा, आप लोगों का इंश्योरेंस था? इंश्योरेंस नहीं, लोग लगभग 90% लोगों ने नहीं कराया इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल नहीं। आपने केसीसी ले रखा है? केसीसी ले रखा तो आपका इंश्योरेंस हुआ होगा केसीसी? हाँ, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लगभग 90% लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया? वाला कह रहे हैं केसीसी का तो लगभग सभी लोगों का है इंश्योरेंस। एक ही जगह से होता है, चाहे केसीसी सोसाइटी से हो चाहे केसीसी का, तो है सभी लोगों का। सभी का केसीसी है, तो केसीसी है तो इंश्योरेंस है आप लोगों का, बिल्कुल है। इसमें मुख्यमंत्री महोदय से आप निवेदन करें कि केसीसी जो बीमा कंपनी है उससे भी राहत।